जय श्री राम दोस्तों, ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं कह सकता मैं इसको, ये हम एक दुख भरी वीडियो बोलेंगे इसको। हमारा भाई है अरविंद गुर्जर 0001, जो कि बगल में बैठा है। भाई का चैनल था यूट्यूब पे, उसके 3,500 मतलब 3.5K के समथिंग उस पर सब्सक्राइबर थे। और भाई के पास एक परसों ना एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से, और अचानक से आज वो लॉग इन कर रहा है तो लॉग इन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ है कि भाई का चैनल डिलीट हो गया है। और आपको मैं दिखाऊं तो उसमें ना कुछ नहीं हो पा रहा है जरा। अब तो आज आपसे दिखा रहा मैं आपको, जैसे यूट्यूब का कोई अस्तित्व भी नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा भाई का यूट्यूब था और आज यूट्यूब का कोई इसका अस्तित्व भी नहीं है। जब डायरेक्ट ही ना नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि इसका ऑलरेडी अकाउंट था। आपको मैं वाई टी स्टूडियो में दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे दिखा है नो चैनल, बट यहाँ पे चैनल था। यहाँ पे नो चैनल दिखा रहा है ना, यहाँ पे चैनल था लेकिन यहाँ पे टैब ही नहीं हो रहा है। ये देखिए बाकी भाई के 2-3 चैनल और हैं लेकिन यहाँ पे टैब ही नहीं हो रहा है। मतलब ये सिचुएशन है। और ये देखो गाइस, ये 3.37 सब्सक्राइबर थे तब भाई ने स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखो भाई, ये चैनल था अरविंद गुर्जर। तो यार पता नहीं क्या हुआ है, अगर किसी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा है, मतलब यूट्यूब ओपन हो रहा है बट चैनल ओपन नहीं हो रहा है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा ओपन होने का, सिर्फ उसे ब्लैंक हो गया है। और काफ़ी दुख है भाई, काफ़ी मेहनत किया था भाई की वीडियो भी ना 4 लाख व्यूज़ पार हो चुके थे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे, लेकिन अभी कुछ दिन से 10-20 दिन से व्यूज़ भी डाउन हो गए थे। और अचानक से एक मेल आया है और एकदम से ना चैनल डिलीट हो गया यार। तो ये बहुत गलत हुआ भाई के साथ में। भाई की पूरी ना 1 साल से ज़्यादा की मेहनत थी, वो पूरी मेहनत चली गई। तो बाकी भाई जो बोलना चाहे अपने चैनल के बारे में वो बोलेगा। तो भाई तो मैं चेहरे से ऐसी दिख रही होगी लेकिन सच्ची में मैंने 1 साल से ज़्यादा हो दी उस चैनल पे, मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड की थी। और मैं ऐसा भी नहीं था रेगुलर नहीं था, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा था काफ़ी टाइम से, डेली व्लॉग्स बनाता था। पता नहीं क्या हुआ, अभी कल परसों से मेरे व्यूज़ भी डाउन हो गए थे थोड़ा, और आज पता नहीं कैसे अचानक से चैनल ही उठ गया। मतलब कि मैं अपने वीडियोस अपलोड करने के लिए जैसे मैं डेली करता था, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने क्लिक करा तो भाई मेरा चैनल ही शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। फिर इन लोगों के पास आया, मैंने थोड़ा बात भी की तो उन्होंने भाई चैनल उड़ा दिया। अब देखते हैं वो रिकवर करते हैं। भाई मैंने उस पर 1 साल से ज़्यादा मेहनत की थी, लगभग मैंने उस पर 3,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिए थे। तो भाई अब आता है चैनल तो ठीक, नहीं आता तो आपको मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाना और सब्सक्राइब करना, बाकी सपोर्ट दिखाना। बाकी देखते हैं अगर वो चैनल वापस आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर टेंशन नहीं भाई, चला गया चला गया, हार नहीं मानेंगे, फिर से चालू करेंगे, 0 से चालू किया था फिर से 0 से चालू करेंगे भाई, दोबारा मेहनत करेंगे भाई। अगर आप ना किसी की ना किसी की आप सक्सेस जो हो रहा है ना उसको ना आप वहीं पर पकड़ सकते हो, बट जो उसके अंदर जो सक्सेस होने की जो आग है ना उस आग को ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको बाहर से रोक सकते हो, अंदर से आप कभी किसी को नहीं रोक सकते। आप भाई का चैनल डिलीट कर दिया, दोबारा बना लेगा। और कोई कम्युनिटी ऐसा होता ना कि कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक की है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक नहीं की, किसी का सॉन्ग यूज़ नहीं करते थे, कोई ऐसा बैड वर्ड यूज़ नहीं करते थे जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाते थे, अपना खुद का कंटेंट था भाई के पास, बहुत प्यारा सा था। और भाई उस भी चैलेंज भी कर रहा था, एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, तो उस बीच भाई चैलेंज भी कर रहा था। तो ऐसा कोई गलत कुछ था ही नहीं, और मतलब क्यों डिलीट कर दिया भाई ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। बट जो भी किया बहुत गलत किया, बिना किसी रीज़न के भाई के साथ ऐसा कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आई हमें। तो इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं हम, बट हम पे जितना बनेगा उतना जरूर करेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है आपके पास है, और अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।